ये तो श्योर है कि आप में से बहुत से लोग इस महीने में फोन खरीदना चाहेंगे, क्योंकि इस महीने में बहुत सारी कंपनियां अपने नए नए फोन लॉन्च करने वाली हैं, जैसे कि आईफोन, ओप्पो, Xiaomi और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो इस महीने में अपनी बहुत ही धाकड़ बोल के जो फोन होता है वो लॉन्च करने वाली है। तो आप भी ये सोच रहे कि इस महीने में मैं कौन सा फोन खरीदूं, तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में मैं आपको कुछ हिंट्स देने वाला हूँ कि इस महीने में कौन कौन से फोन लॉन्च होने वाले हैं, जिससे कि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कि आप कौन से फोन इस महीने में खरीद पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। पिछले महीने मैंने आप लोगों को बताया था कि अगस्त के महीने में कौन कौन से फोन लॉन्च होने वाले हैं, जिसका इतना बढ़िया रिस्पॉन्स मिला कि मैंने ये डिसाइड कर दिया कि अब आपको हर महीने के ऐसा वीडियो दूंगा जो कि आने वाले महीने में कौन कौन से फोन लॉन्च होंगे, मैं इसके बारे में आपको पूरा फुल डिटेल बताऊं। तो इसकी दूसरी कड़ी मैं स्टार्ट कर रहा हूं। इस लिस्ट में जो पहला फोन है वो कुछ हटके है, क्योंकि उसके जो पहले फोन आए थे वो बहुत ही हिट हुई थी, लेकिन जब उसका सिक्वल आया तो वो बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ। तो चलिए आप तो समझ गए मैं किस फोन के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ Realme 2 के बारे में, जिसका कि Realme 1 तो एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग फोन रहा है। अपने बजट सेगमेंट में उसने अच्छे अच्छों को टक्कर दिया है, लेकिन जब से Realme 2 फ्लोर पे आया है बट इसके स्पेसिफिकेशन लोगों को पसंद ही नहीं आ रहे। लेकिन अब आपका ये शिकायत दूर होने वाला है, क्योंकि इस महीने आने वाला है Realme 2 Pro, बहुत ही अवेटेड फोन है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। पहली बात कि Realme 2 Pro में एक छोटा सा नॉच होगा, इसकी जो CPU होगी वो होगी स्नैपड्रैगन 636 और इसकी जो वेरिएंट होगी वो 4GB 64GB की होगी, जिसकी प्राइस आई थिंक 12,000 से 13,000 के आसपास होने वाली है। इस सितंबर महीने में तो लॉन्च होगी ही होगी। इसकी जो बैटरी है वो होगी 4000 mAh की और इसकी जो कैमरा सेटअप्स होंगे वो होंगे रियर में डुअल कैमरे जो कि 12+5 MP के होंगे, और जो आगे में होंगे वो होंगे 20 MP का सेल्फी कैमरा, जो कि बहुत हद तक Redmi Note 5 Pro की तरह आपको लगेगा, लेकिन इसका जो प्राइस होगा वो Redmi Note 5 से थोड़ा सा कम होगा। Realme 2 Pro एक बहुत ही अच्छा कंपटीटर होने वाला है Redmi Note 5 Pro का। Xiaomi के फोन्स जो कि हर महीने ही लॉन्च हो जाते हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो खुद के फोन का सबसे बड़ा कंपटीटर होता है। अभी हाल में ही देख लीजिए, उसने अपने एक फोन लॉन्च किया जिसका नाम है Poco F1। वो फोन इतना धाकड़ है कि लोग उसे मतलब हर कोई चाह रहा है वो उसे खरीद ले। अभी हाल ही में जब से Honor Play लॉन्च हुई थी तो वो अभी मार्केट पे राज कर रही थी, लेकिन जब Poco F1 आ गया तो उसने उसे किल कर दिया। तो चलिए बात करते हैं Xiaomi की। तो Xiaomi ने इस महीने में अपने 3 फोन लॉन्च किए जो कि आज ही किए हैं, Redmi 6, Redmi 6A और Redmi 6 Pro। Redmi के फोन्स बजट सेगमेंट वाले होते हैं, जितनी भी इसकी स्पेसिफिकेशन होती है वो बजट के हिसाब से ही होती है, लेकिन फिर भी इस बार Xiaomi ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है कि उसने अपने कैमरे के डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा सुधार किया है। आप चाहें या ना चाहें आप Redmi 6 की तरफ जाएंगे जरूर, चाहे वो Redmi 6 हो, चाहे Redmi 6A हो या फिर Redmi 6 Pro। Redmi 6 के सीरीज में जो सबसे बढ़िया लॉन्च हुआ वो तो सबको पता है कि Redmi 6 Pro है, जो नॉच डिस्प्ले के साथ आ रहा है, जो फुल HD प्लस भी है और साथ में इसमें रियल डुअल कैमरा के सेटअप्स भी मिले हैं। और दूसरी बात कि इसकी जो बैटरी वो भी बहुत ही दमदार है, तो आप इस फोन को बिल्कुल आंख मूंद के खरीद सकते हैं। अब इस लिस्ट में जो तीसरा फोन है वो 6 तारीख को लॉन्च होने वाला है, यानी कि कल, वो है वीवो का V11 Pro, जिसका कि आमिर खान बहुत अच्छे से प्रचार कर रहे हैं। मैं भी देख रहा हूँ, काश मुझे भी कोई ऑफर करता। इसका जो प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन 660 होने वाला है, क्योंकि ये अभी बहुत ही लेटेस्ट है। इसमें 4GB 6GB की रैम होगी और उम्मीद करता हूँ इसकी प्राइस लगभग 25,000 के आसपास होगी। सारे फोन्स की तरह इसमें भी नॉच होगा जो वाटर ड्रॉप की तरह होगा, साथ में इसमें फुल HD प्लस का डिस्प्ले भी होगा और ये उम्मीद करता हूँ कि इसमें एमोलेड डिस्प्ले भी होगा। सबसे बड़ी बात कि इसमें 25 MP का फ्रंट कैमरा होगा, तो बस सेल्फी खींचते रहो बढ़िया से। और उससे भी बड़ी बात दोस्तों कि इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर भी होगा, जो कि डिस्प्ले में ही आपको मिल जाएगा। अब इस लिस्ट का जो अन्य फोन है वो आ रहा है ऐसा कंपनी से जिसके अभी हाल फिलहाल में आए हुए बहुत सारे फोन्स ने अभी नाम कमाया है, चाहे वो इन्फिनिक्स का नोट हो, चाहे वो इन्फिनिक्स का मिड रेंज के फोन्स हो। तो आप सही समझ गए क्योंकि मैंने तो नाम पहले ही बोल दिया। तो इस बार आ रहा है इन्फिनिक्स जीरो सिक्स, जो कि हायर मिड रेंज फोन होगा। जैसे कि अभी आपको पता है कि Poco F1 Honor Play ने भी बहुत तहलका मचा कर रखा है, तो जैसे कि आपको पता है कि इन्फिनिक्स जीरो सिक्स से एक मिड रेंज फोन होने वाला है, लेकिन एक फ्लैगशिप फोन के साथ होगा। तो इसके सारे स्पेसिफिकेशन आपके फ्लैगशिप वाले ही मिलने वाले हैं, बस इसकी थोड़ी सी मतलब कंप्रोमाइज होगी, मतलब मिड रेंज फ्लैगशिप होगा ये फोन। तो इस फोन में आपको तो पता ही है Poco F1 और Honor Play की तरह इसमें सारे आपके चीज मिलने वाले हैं, चाहे वो नॉच डिस्प्ले हो, चाहे उसकी रैम बढ़िया हो, चाहे इसके
सीपीयू यानी कि प्रोसेसर बढ़िया हो और साथ में इसकी बैटरी हो, तो ये आपके सारे डिपार्टमेंट में ये बेहतर फ़ोन होगा। ये फ्लैगशिप ना होकर के एक फ्लैगशिप फ़ोन होगा। बात करते हैं इस फ़ोन की प्रोसेसर की, तो वो होगा स्नैपड्रैगन 660 आने की संभावना है इसी के साथ। दूसरी इसकी जो बैटरी होगी वो 4500 mAh की होगी, और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो नॉच होगा और साथ में इसकी जो कैमरा होगी वो रियर डुअल कैमरा के साथ होगी, जिसका सेटअप आपको मिलने वाला है 12 और 13 का। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी मतलब डेप्थ बहुत ही अच्छी होगी, यानी कि कैमरा क्वालिटी ये बहुत हद तक पोको फ़ोन A1 को टक्कर देने वाला है। दूसरी बात करते हैं इसके फ्रंट कैमरे की, तो वो 16 मेगापिक्सल से लैस होगा और इसकी प्राइस लगभग 20 और 21 हज़ार के आसपास होगी, यानी कि पोको फ़ोन A1 और ऑनर प्ले के आसपास ही होगी। तो जानेंगे इसके रिलीज के बाद ही क्या होने वाला है इसके साथ। इस लिस्ट का जो पांचवा फोन है वो भी Xiaomi की तरफ से, यानी कि MI8, जिसकी आने की संभावना इस महीने में पूरी तरह से बनती है। अब देखिए ना, इसी की एक सब ब्रांड है जो कि पोको फोन है, उसने अपना फोन लॉन्च किया था हाल फिलहाल में, पोको फोन A1, जिसका ऑर्डर मैंने भी किया है। तो चलो वो तो मेरे पास कल आ जाएगी, उस बात को छोड़ते हैं और बात करते हैं कि ये खुद का कंपटीटर क्यों है यार। मतलब खुद के कंपटीशन में इतना उलझा रहता है कि लोग इसी ब्रांड के फोन्स में मतलब पूरी तरह से गुम हो जाते हैं कि कौन सा लें कौन सा ना लें। खैर चलो, कम से कम इसके पास सारे रेंज तो अवेलेबल हैं, तो हो सकता है इस महीने में MI8 को भी लॉन्च कर ले। इसके सारे स्पेसिफिकेशन पोको फोन A1 की तरह ही है, बट इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो पोको फोन A1 से बहुत ही अच्छी है। इसकी बैक साइड ग्लास बॉडी की बनी हुई है, और जहां तक बात करें कैमरे की तो वो सेम है। हाँ, थोड़ी सी इसकी बैटरी कम पड़ती है पोको फोन A1 से, जहाँ पोको फोन A1 में बैटरी 4000 mAh की है, इसमें लगभग 3000 से 3500 के आसपास मिलेगी आपको। लेकिन सबसे बड़ा जो अंतर है इसके डिस्प्ले में आता है। पोको फोन A1 का जो डिस्प्ले वो IPS डिस्प्ले है, लेकिन इसकी जो डिस्प्ले होगी वो AMOLED डिस्प्ले होगी। तो आप समझ सकते हैं कि AMOLED और IPS में कितना अंतर होता है। बट इसकी जो प्राइस होगी वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी, यानी कि ये 25,000 के आसपास होने वाला है। अब चूंकि ये MI का खुद का ही फ्लैगशिप फ़ोन है तो थोड़ा सा तो अंतर बनता है। अब बात करते हैं इस लिस्ट के अवेटेड फोन्स की, जो है आईफोन। इस फोन के बारे में तो आप बहुत सारे ह्यूमर सुन रहे होंगे, लेकिन ये कंफर्म हो चुका है कि इस महीने इसके 3 फोन आने वाली है, जो कि सारे बड़े बड़े डिस्प्ले के साथ ही आएगी। इस बार एप्पल कंपनी ने क्या किया है कि अपने गरीब लोगों को भी ध्यान में रख के गरीब सा फोन भी बनाया है, तो जो कि आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। गरीबों के कहने का मीन्स है कि इसकी जो सबसे कम की फोन होगी या तो वो 35,000 की होगी या वो 70,000 के आसपास की होगी। अब इसमें थोड़ा मेरे को कन्फ्यूजन लग रहा है कि ये सबसे कम का या तो 70 का होगा या फिर 35 का होगा, तो वो तो लॉन्च के बाद ही पता चल जाएगा। अब बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की, अब कौन कौन से फ़ोन लॉन्च होंगे, तो मैं आपको वो नाम बताने वाला हूँ। पहला जो है वो है iPhone XS और दूसरा है X+। दोनों ही फ़ोन बड़े डिस्प्ले के साथ आ रहे हैं। जैसे कि XS जो है वो लाइट वेरियंट फ़ोन है, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। इसमें आपको AMOLED डिस्प्ले नहीं मिलने वाला, इसमें नॉर्मली IPS डिस्प्ले ही मिलेगा, ना ही इसमें रेटिना डिस्प्ले आपको मिलने वाला, जैसे कि आपको iPhone 7 में मिला, 6 में मिला, 5 में मिला। इसकी क्वालिटी, इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी वही रहने वाली है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा फ़ोन होगा 6.1 इंचेस का। इस फोन में एक और बड़ी बात है कि इसमें डुअल कैमरा भी नहीं दिया है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे इंडियन कस्टमर को सिर्फ नाम ही काफ़ी है कि वो आईफोन है, उसमें डुअल कैमरा भी ना दे, उसमें बड़ी सी बैटरी भी ना दे, उसमें AMOLED डिस्प्ले भी ना दे, उसमें बढ़िया सा टच सेंसर भी ना दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हमारे इंडियन कस्टमर को क्या चाहिए कि आईफोन की ब्रांडिंग हो, क्या करें, यहाँ तो आईफोन के लोग अपने लीवर को बेच देते हैं। अब इसकी जो दूसरी फ़ोन है वो X+, ये कुछ बढ़िया फ़ोन है क्योंकि इसमें AMOLED डिस्प्ले है, डुअल कैमरा भी है, बढ़िया सी बैटरी भी है। बस ये समझ लो कि ये iPhone 10 का ही अपग्रेड वर्सन होगा। इसकी जो डिस्प्ले होगी ना वो 6.5 इंचेस की डिस्प्ले होगी, यानी कि बड़ी सी डिस्प्ले होगी। ये थे हमारे इस महीने के टॉप रेटेड अपकमिंग फोन्स के लिस्ट। इसके साथ कुछ और भी लिस्ट है जिसके आने की संभावना है भी नहीं भी कुछ कह भी नहीं सकते, जैसे कि Redmi Note 6 Pro, जो कि चाइना में लॉन्च हो चुकी है, लेकिन इंडिया में कुछ कह नहीं सकते क्योंकि Xiaomi का कुछ है नहीं। वो क्या करती है, कभी भी कुछ भी लॉन्च कर देती है, किसी भी इवेंट में वो कुछ भी लॉन्च कर सकती है। उसी तरह से दूसरा फ़ोन है Huawei का Honor 8X 7X की सफलता के बाद ये पूरी गारंटी हो गई है कि वो इस महीने में इसे भी लॉन्च करेगी। भले ही मैंने इसे लिस्ट में नहीं दिखाया क्योंकि बहुत से लोग ऑनर के फ़ोन में इंटरेस्टेड नहीं होते, क्योंकि इसकी पहुँच लोगों के पास ज़्यादा है नहीं फिलहाल अभी। लेकिन फिर भी चलो, इस महीने में ये 8X लॉन्च होने वाला है, जो कि एक फैबलेट की तरह है, मतलब फ़ोन से थोड़ा बड़ा। इसके सारे प्रोसेसर बढ़िया वाले हैं, इसके सारे रैम जो भी आप कहेंगे ये बहुत अच्छे हैं। 19:9 का स्पेक्ट्रा इसका डिस्प्ले होगा, Full HD+ भी होगा, साथ में इसमें एक नॉच भी होगा, इसमें भी डुअल कैमरा सेटअप्स होने वाले हैं, 4 GB 6 GB की रैम भी आपको मिलेगी।
16+2 का डुअल रियर कैमरा सेटअप से मिलेगा, और 4900 का एमएच का बैटरी कैपेसिटी जो कि आपको 15 से 20 हज़ार में आने वाली है। और भी फोन से जैसे कि मोटोरोला वन पावर जो कि 2-3 महीने से हाइप बना के रखा है लेकिन इंडिया में लॉन्च ही नहीं कर रहा है, अब लोग कब लॉन्च करेगा पता नहीं, लेकिन एक उम्मीद फिर से करता हूँ कि ये शायद सेप्टेम्बर में लॉन्च हो जाए। और जैसे वीवो X23 जो कि चाइना में लॉन्च होने वाली है, हो सकता है कि इंडिया में लॉन्च हो जाए, लेकिन कुछ कह नहीं सकते क्योंकि जरूरी नहीं कि जो चाइना में फ़ोन लॉन्च हो जाए वो इंडिया में भी लॉन्च हो जाए। और एक और फ़ोन है सोमी का ही, जैसे कि MI Max 3, ये चाइना में तो कब का लॉन्च हो चुका है लेकिन इंडिया में कब आएगा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इसका भी एक उम्मीद तो बनता है यार। तो बस दोस्तों इतना ही, यही थे हमारा लिस्ट जो कि सितंबर में आने वाले फोन्स की है। अब इसमें से कौन कौन से फ़ोन लॉन्च होंगे, कौन कौन से नहीं होंगे, इसकी भी मैं आपको अपडेट समय समय पर देता रहूँगा। बस आपको कमेंट में ये बताना है कि आपको इनमें से किस फ़ोन का इंतज़ार है और क्यों। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि आप बिल्कुल नए हैं ना, सिर्फ वीडियो देखा है अभी तक, तो इसे बिना सब्सक्राइब के कहीं जाइएगा मत, क्योंकि हम इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। फिर मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट नए वीडियो में, इसी के साथ जय हिंद जय भारत।